वेलकम टू दी प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। आज का न्यूज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने दो न्यूज लाया है। पहला न्यूज तो रिलेटेड है इम्पोर्टेंट डेज से, जो एक करंट अफेयर, ये जो डेज रहता है ये एग्जाम डेज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आज कौन सा दिन है इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे इंडिया में फर्स्ट नेजल वैक्सीन लॉन्च किया गया है, लाया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम न्यूज को देखते हैं। तो हमारे जो पहली न्यूज है वो हमारे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। आज है 28th of January। 28th of January को डेटा प्रोटेक्शन डे और डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो ये जो डे है, इस बार का ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पब्लिक में जागरूकता फैलाए अबाउट डेटा प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के बारे में, उनके इश्यूज, जो डेटा से रिलेटेड इश्यू है उस चीज को देखा जाए, उससे पब्लिक को बताया जाए कि किस तरीके से हम अपने ही डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक राइट टू प्राइवेसी नाम का चीज होता है, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में मेन ऑब्जेक्टिव है। इस बारे में बताया गया है कि ये सब चीजें करनी चाहिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस बार का जो थीम है, इस बार का डेटा प्रोटेक्शन डे का जो थीम है वो है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। इस बार का ये थीम लाया गया है जिससे ये सब चीजों से बताया गया है कि जो हम अपने डाटा को किस तरीके से खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक चीजें बढ़ती, डिजिटल बढ़ती, डिजिटलाइज जो है अपना जो इंडिया है वो डिजिटल के मामले में आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज डिजिटल हो रही है, बट इस वजह से हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रहा है, असुरक्षित हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा पहले ही वैसे बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए ये चीजें बताई गई हैं कि हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्राइवेट कर सकते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटीज को अच्छे तरीके से उच्च स्तर पर मजबूत बनाया जा रहा है हमारे डेटा को सेफ करने के लिए। जो संगठन है वो ये अपने ये सोचकर चल रहे हैं कि हम हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेफ रखा जाए साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से। ये तो हो गया हमारा आज न्यूज जो इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड है। आज का जो इम्पोर्टेंट डे है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंड जो मैंने आपको न्यूज बताया है रिलेटेड टू नया वैक्सीन लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं ये वैक्सीन क्या है, किसने लॉन्च किया है। तो ये वैक्सीन जो लाया गया है फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है जो COVID-19 के अगेंस्ट में ये वैक्सीन लॉन्च किया गया है। और इस वैक्सीन को नाम दिया है इनकोवेक। इस वैक्सीन का नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को जो इंट्रोड्यूस जो है उन्होंने हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने उनकी उपस्थिति में, और डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो वैक्सीन लाया गया है ये वैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया, और ये फर्स्ट ऐसा इंट्रानेजल वैक्सीन है जो पब्लिक में अवेलेबल कराया जाएगा। मनसुख मांडविया है, उनके रेसिडेंस के यहाँ पे इसको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस हमारे भारत बायोटेक जिन्होंने डेवलप किया है, उनको ये अनुमति दे दी थी, अप्रूवल दे दिया था कि इसके जो खुराक है, इस वैक्सीन का जो खुराक है, इसको हम पहले अप्लाई करके देखे, पहले यूज करके। ये मंथ के स्टार्टिंग में ही ये चीज की अप्रूवल मिल चुकी थी भारत बायोटेक को कि इसका अप्लाई कर सके चीजों को, कि हम बाद में इसको पब्लिकली ला सके इस वैक्सीन को। तो ये चीज भारत बायोटेक ने इस चीज को अप्लाई किया, अब जाके ये पब्लिकली ये वैक्सीन आ चुका है। जो भी टीकाकरण के लिए आएंगे अगेंस्ट COVID-19 के, जो ये COVID-19 के अगेंस्ट ये वैक्सीन लाया गया है, जो भी टीकाकरण के लिए आएंगे उनके लिए अब वैक्सीन नेजल थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये वैक्सीन हमारे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, फर्स्ट ऐसा नेजल वैक्सीन लाया है इंडिया में जो हमारे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको वन लाइनर फॉर्म में डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। अदर देन दैट आप हमारे टेलीग्राम के अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी वन लाइनर फॉर्म में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे आपके डेली करंट न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं, तो आप वहां पे विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं और हमारे जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी हम डालते हैं, मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।